वित्तीय लेन देन में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने मंगलवार को शहर के विभिन्न बैंक शाखाओं का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने बैंक प्रबंधकों, कर्मचारियों एवं ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों को सख्त दिशा निर्देश जारी कर चेताया कि किसी भी कीमत पर सुरक्षा में चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी, हर हाल में बैंक ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। पुलिस अधीक्षक ने भारतीय स्टेट बैंक मंडी शाखा मैनेजर को बैंक सुरक्षा में बदलाव के निर्देश दिए। सुरक्षा गार्ड से बिंदुवार जानकारी लेते हुए बैंक के भीतर बिना किसी काम के आने वालों पर नजर रखते हुए टोकने के निर्देश दिए। एसपी ने मीडिया से चर्चा में अपील करते हुए कहा कि व्यापारी, किसान या आम नागरिक अधिक लेन देन को लेकर सतर्कता बरते, हो सके तो दो पहिया के बजाय चार पहिया का इस्तेमाल करे और रोजाना लेन देन करते हैं तो समय और रास्ता अलग रखे। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। वैसे ओपन हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमने काफी सख्ती बरती हुई है और काफी जो भी बैंक के नियम है और अभी एसपी सर ने भी जो हमें गाइडलाइन बताई है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। सीसीटीवी और गार्ड्स 24/7 हमारे पास रखे हुए हैं और बैंक की सुरक्षा को हम लेके जितने भी नियम है उसे कड़ी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। जैसे ग्राहक आपके यहाँ से पैसे लेकर जाते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि जो बदमाश टाइप के लोग रहते हैं जी, उनके साथ में बताते हैं आपके ठेले में मेला लगा हुआ है, उसकी वादा जी किसी एडवाइस आप देते हैं उन लोगों को? सर, सारे कस्टमर्स को जागरूक करते हैं, सबको ये बताया जाता है कि किसी भी अनजान व्यक्ति से बात नहीं की जावे, ना ही हम ये बताएं कि आपका ओटीपी, पिन या कोई भी ऐसी चीज जिससे फाइनेंशियली लॉस हो सकता है या उनकी जान को भी नुकसान हो सकता है, उनको हम जागरूक करते हैं और पूरे हॉल में बताया जा रहा है। क्या नाम लिखा? मेरा नाम रेखा शर्मा। संस्था में कैश का लेन देन होता है वो हमेशा से अवेलेबल रहती है। जिले के जितने भी बैंक हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जो बैंकें हैं, बैंकों के साथ साथ ATM और हमारी जो मंडियां हैं, कपास की मंडी है, मिर्च मंडी है, जहां भी कैश का बड़ी मात्रा में लेन देन होता है वो हमेशा ससेप्टेबल रहती है, वल्नरेबल रहती है। तो पूरे ज़िले में अभियान चलाया है कि हम बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का ऑडिट करें, हमको पुलिस के एंगल से क्या क्या उसमें चूक दिखती हैं वो बैंक प्रबंधन के संज्ञान में लेके आएँ। एक सिक्योरिटी ऑडिट उसमें होगा तो कुछ कुछ हम लोग गाइडलाइंस भी जारी करेंगे, कुछ एडवाइजरी जारी करेंगे, तो बैंकों के जो प्रबंधक है वो और उनकी टीम भी थोड़ी सेंसिटाइज होगी, उनकी जो सुरक्षा एजेंसी है वो भी सेंसिटाइज होगी, तो बैंकों में जो छोटी मोटी चूक होती है जिसके कारण कई बार घटनाएँ घटती हैं वो चूक ना हो और बैंकों की जो सुरक्षा है वो पुख्ता हो जाए, उसके लिए हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। मैं इस समय स्टेट बैंक की जो मेन ब्रांच हमारे शहर में है इसका निरीक्षण हमने बैंक मैनेजर मैडम के साथ किया है। कई सुरक्षा के संबंध में चर्चाएं हुई हैं और इसमें हम आगे विचार करके जो इसमें हमको कमियां दिखी हैं उनको स्ट्रेंथन करेंगे और उसके आधार पर एक पुख्ता कैश मूवमेंट की और कैश के ट्रांजेक्शन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में शहर में आते हैं लेके जाते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सीधा सा एडवाइज ये है, कैश का ट्रांजेक्शन सामान्यतः सुरक्षित रूप से करें, दो पहिया वाहनों में ना तो बैंक से कैश ले जाते समय या घर से बैंक ले आते समय, टू व्हीलर में बड़ी मात्रा में कैश का मूवमेंट ना करें, सावधानी से करें, फोर व्हीलर में करें और सरप्राइज एलिमेंट रखें, एक ही टाइम पे एक ही समय में एक ही व्यक्ति द्वारा मूवमेंट करने से वो टारगेट में आते हैं, इसलिए कैश के ट्रांजेक्शन के समय सावधानी बरतें और जब भी आप बैंक कैश लेके पहुँचते हैं तो बैंक की बाउंड्री के अंदर प्रवेश करने के बाद ही कैश के बैग को निकालें। छोटी छोटी सावधानियाँ हैं जिससे कि हम लोग किसी भी घटना से बच सकते हैं। तो कैश का ट्रांजेक्शन क्योंकि मंडियों में और यहाँ पे कृषि कार्य से बड़ी मात्रा में होता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सावधानी से और सरप्राइज एलिमेंट के साथ ही मूवमेंट करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।